हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलीनोमियल्स बोलते हैं क्लास 9 के बारे में। पहला सवाल हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 भी है। तो हमें यहाँ पर भागफल विधि यूज नहीं करनी है, हमें यहाँ पर शेषफल विधि यूज करनी है। शेषफल विधि में क्या करते हैं हम, आंसर ऐसे स्टार्ट होगा, माना px बराबर x³ + x² + x+1। ठीक है, अब यहां x+1 जो हमारा मेन गुणनखंड है बराबर 0 लेने पर, तो यहां x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। अब शेषफल प्रमेय द्वारा, ठीक है, हम आंसर को चेक करें, तो जहां x था वहां क्या लिख लेंगे हम, x बराबर, देखिए x बराबर -1 लेने पर, तो यहां x की जगह 1 ले लिया, यहां पर भी सेम, माइनस का 1 का होल क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, अब इसका होल क्यूब खोलेंगे तो माइनस में आएगा, यहां प्लस में आ जाएगा, यहां पर प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा और यहां प्लस में आ जाएगा। अब दो तो प्लस में और दो माइनस में, ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे, माइनस का 2 प्लस का 2, तो आंसर क्या आया, 0। ठीक है, प्लस से 2 से माइनस का 2 कट गया, यानी कि x+1 बहुपद x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है। अगला सवाल है हमारा, x वही माना px बराबर x³ + x²+x+1। ठीक है, अब x+1 बराबर 0 लेने पर, तो वही x बराबर माइनस का 1। अब शेषफल प्रमेय से, ठीक है, तो जहां जहां p आ रहा है वहां वहां क्या रखेंगे, माइनस का 1, माइनस के 1 का होल क्यूब, माइनस के 1 का सॉरी 4, माइनस के 1 का होल क्यूब प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1+1। अब माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या की घात कितनी है, सम संख्या है 4, तो ये किसमें खुलेगा, प्लस में। अब ये क्या है, माइनस की संख्या घात क्या है, विषम है, तो ये किसमें खुलेगा, माइनस के 1 में। अब माइनस का 1 में खुलेगा, माइनस इंटू प्लस भी माइनस ही होगा, यहां पर क्या होगा, ये किसमें खुलेगा, प्लस में। अब प्लस का 1 इंटू प्लस का 1, फिर यहां पर माइनस का 1 प्लस का 1, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये खुल गया हमारा प्लस में, प्लस ये खुल गया माइनस में, प्लस ये खुल गया हमारा माइनस प्लस में खुला है हमारा, और ये हमारा माइनस का 1 और ये हमारा प्लस का 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, 1 का कुछ भी नहीं होता। अब यहां पर प्लस के कौन कौन है, 1, 2, 3, तो 3 तो गए प्लस, और माइनस कितने हैं, 1 और 2, माइनस के 2, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। अब शेषफल क्या आ रहा है, 0 आना चाहिए था, बट शेषफल यहां क्या आ रहा है, 1, तो हम क्या लिखेंगे कि x+1 बहुपद x³ + x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड नहीं है। हमारा सवाल है x4, तो हम वही माना px² + 3x³ + x² + x+1 लेने पर, अब वही x+1 = 0 लेने
पर हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर माइनस का 1। शेषफल प्रमेय, द्वारा शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे हम, p माइनस 1 बराबर माइनस के 1 का होल क्यूब स्क्वायर 4 3 कोष्टक माइनस के 1 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या करा, माइनस का 1 लिख दिया। अब इसकी घात क्या है, 4, तो किस में बोलेगा प्लस में, 3 इंटू इसकी घात क्या है माइनस, तो किस में बोलेगा माइनस में, फिर इसकी घात सम है ना, तो क्या होगा प्लस में, यहां पर माइनस का 1, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1। ठीक है, अब यहां 1 प्लस 3 इंटू माइनस, तो ये किस में हो जाएगा, देखिए प्लस का 3 था और माइनस का 1 है, तो क्या हो गया माइनस का 3, यहां पर प्लस का 3, यहां माइनस, देखिए ये दोनों गुणा हुए तो प्लस का 3 हो गया, यहां माइनस का 1 प्लस का 1। अब प्लस की संख्या कौन कौन, 1 2 और 3 संख्या प्लस की है, 1 और 3 4 और 1 5। माइनस की कौन कौन सी है, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस के 4। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाती है, तो आंसर आएगा प्लस का 1। हमें शून्य चाहिए था, शून्य नहीं मिल रहा तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बहुपद का 1 गुणनखंड नहीं। अगला हमारा सवाल है, तो वही स्टार्ट कैसे करेंगे हम, माना पी एक्स बराबर एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, एक्स प्लस 1 बराबर 0 लेने पर तो एक्स बराबर माइनस का 1। अब शेषफल प्रमेय द्वारा जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या लिखेंगे हम, माइनस का 1। ठीक है, 1 का होल क्यूब किसका, माइनस के 1 का, फिर यहां माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इसका तो खुल जाएगा माइनस का 1, यहां प्लस का 1 खुलेगा, प्लस का 1 जब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस का कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा प्लस का 2 प्लस का अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2। देखिए ये अलग संख्या है, इनके बीच में माइनस का निशान आ गया यहां पर और यहां माइनस का 1 आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब प्लस का 1 गुणा होगा 2 से तो 2 आ गया, प्लस का 1 गुणा होगा अंडर रूट 2 से तो प्लस का ही 2 आया, यहां दोनों माइनस के हैं तो माइनस 2 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, माइनस से प्लस कट गया, अंडर रूट 2 हो गए 2 अंडर रूट 2। अब लिखना क्या है, वही x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं। अगला है हमारा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो ये रहा हमारा px और ये रहा हमारा gx। अब आपको बता दें गुणनखंड प्रमेय कब लागू होती है, गुणनखंड प्रमेय हमें बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां c जो होता है अचर पद होता है, a और b जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है, तो हमें मध्य पद का गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम गुणनखंड प्रमेय नहीं लगा पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, माना gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो x बराबर माइनस 1, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि p x बराबर 0 आना चाहिए, अगर 0 होगा तभी क्या होगा
वो गुणनखंड होगा। तो x प्लस वन, तो x बराबर, x प्लस वन बराबर शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस वन लेंगे हम, तो p कोष्टक माइनस वन बराबर दो x। अब x की जगह जहां जहां x है वहां वहां क्या लेंगे हम, माइनस का एक, माइनस का एक, ठीक है। अब यहां पर दो इंटू माइनस का, क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या आ रही है हमारी तीन। अब यहां प्लस का वन, क्यों प्लस, और ये भी प्लस में खुलेगा तो क्या आएगा प्लस का वन, माइनस का दो इंटू माइनस का एक, प्लस का दो हो जाएगा और यहां माइनस का एक, ठीक है। अब यहां दोनों गुणा होंगे तो क्या होगा, माइनस का दो, इन दोनों का गुणनफल आया माइनस का दो, प्लस वन प्लस दो माइनस एक, माइनस के दो से माइनस का दो कट गया, प्लस के एक से माइनस का एक भी कट गया, तो आंसर गया हमारा शून्य। तो हम लिख सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अगला सवाल है हमारा पी एक्स, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, माना जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो पी एक्स का मान क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए शेषफल। तो x प्लस दो बराबर जीरो लेने पर x बराबर प्लस का दो, उधर जाते क्या होगा माइनस का दो जाएगा। तो अब वही शेषफल प्रमेय, इसमें शेषफल प्रमेय लगाएंगे हम, शेषफल प्रमेय से क्या होगा, माइनस का, माइनस का दो, जहां जहां x है वहां क्या आएगा माइनस का दो, माइनस का दो का होल क्यूब प्लस तीन माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस तीन माइनस का दो प्लस एक, ठीक है। अब माइनस का दो, पहले तो देखिए दो, दो का क्यूब कितना होता है आठ होता है, और किसी ऋणात्मक संख्या पर अगर घात क्या हो, विषम हो, तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस थ्री इंटू यहां क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर चार होगा, और यहां घात के ऐसा में इसलिए प्लस में आएगा, थ्री इंटू माइनस का दो प्लस वन, माइनस का आठ ऐसा ऐसा उतर गया, तीन इंटू चार प्लस के बारह, तीन इंटू माइनस का दो माइनस के छ हो गए, तो यहां माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस का छ हो गया प्लस वन। अब प्लस की संख्या एक साथ जोड़ेंगे और माइनस की एक साथ जोड़ेंगे, आठ और चार, आठ और छह माइनस के चौदह और प्लस के तेरह, तो माइनस के चौदह में से प्लस के तेरह जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पी एक्स बराबर जीरो सिद्ध नहीं हुआ। तीसरा सवाल है हमारा वही, माना जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो पी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। अब जी एक्स बराबर क्या होगा, शून्य, तो एक्स बराबर क्या होगा तीन। अब P कोष्टक माइनस तीन, तो बराबर माइनस का तीन का होल क्यूब, और यहां पर चार कोष्टक माइनस का तीन का होल स्क्वायर प्लस माइनस का तीन प्लस छ, ठीक है। तो यहां पर तीन का क्यूब क्या होता है सत्ताईस, और माइनस का निशान आएगा क्योंकि घात क्या है विषम है। यहां पर चार इंटू प्लस का नौ, ठीक है, क्योंकि घात क्या है प्लस की, सॉरी घात क्या है सम है, प्लस माइनस का तीन प्लस छ, ठीक है। माइनस जब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा माइनस इंटू प्लस,
माइनस, अब माइनस का 27, फिर माइनस का 36, माइनस का 3, प्लस का 6, देखिए तो माइनस 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 एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 27 और 3 कितना हुआ 30, 30 और 36 66, माइनस के 66 प्लस का 6 तो आया माइनस का 60, ठीक है। अब हमें शेष पर क्या हुआ, जीरो प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या रखेंगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं। हमारा अगला सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन बराबर पी एक्स का एक गुणनखंड हो। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वन जो कि हमारा क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है तो यानी शून्य होना चाहिए उसका मान, यानी पी जीरो का मान क्या होना चाहिए, शून्य, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हुआ, प्लस वन, ठीक है, जब पी एक्स बराबर शून्य हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे x की जगह पे ले जाए हमने वन, तो p वन आ गया, यहां पर भी वन स्क्वायर प्लस वन प्लस k, ठीक है, तो यहां हमारा क्या है, शून्य आएगा ना, p जीरो बराबर क्या होगा, पी एक्स बराबर शून्य, तो हमने इसकी जगह रखते हैं शून्य, और यहां रख गया एक प्लस एक प्लस k, एक और एक कितना हुआ दो, प्लस k बराबर जीरो, तो k बराबर दो के इधर चला गया, तो किसका गया, माइनस का, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है हमारा, यहां पर भी हम क्या करेंगे, x माइनस वन, ठीक है ना, एक गुणनखंड है, तो क्या होगा, x माइनस वन बराबर शून्य, तो x बराबर प्लस का वन, जब p वन इज इक्वल टू क्या हो, शून्य, p1 मतलब पी एक्स, ठीक है ना। अब p1 x की जगह क्या रख रहे हैं, वन, तो दो कोष्टक वन का क्यूब सॉरी स्क्वायर प्लस k कोष्टक वन प्लस अंडर रूट दो, दो इंटू ए प्लस k को x से गुणा करेंगे, k आएगा प्लस अंडर रूट दो, तो यहां आ जाएगा दो प्लस अंडर रूट दो प्लस के, दो को एक सौ गुणा करा दो अंडर दो प्लस के। अब पी वन कितना माना हमने, शून्य, क्योंकि गुणनखंड है ना वो, तो क्या होगा, के बराबर के ये ले जाएगा, ये दो बराबर इस साइड चला गया, किसका हो गया, माइनस का, और ये भी माइनस का दो हो गया। अभी हमारा सवाल वही एक्स बराबर वन लेने पर, क्योंकि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जब p वन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है ना, यानी अगर ये इसका गुणांक है, गुणनखंड है, तो p x का मान क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। तो अब p वन इज इक्वल टू k वन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो फिर वन प्लस वन, ठीक है। अब यहां k माइनस अंडर रूट दो प्लस वन, और यहां क्या आएगा, जीरो, p बराबर जीरो, तो k बराबर क्या होना चाहिए, ये तो जाएगा प्लस का और ये जाएगा माइनस का, यानी अंडर रूट दो माइनस वन, ये हो गया हमारा k का मान। अगला x प्लस वन बराबर शून्य, ठीक है, तो x बराबर सॉरी x माइनस वन बराबर शून्य, तो x ये मान है माइनस का, दूसरे जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब p वन क्या होगा, शून्य होगा। अगर x बराबर वन लेंगे तो p वन का मान क्या होना चाहिए, शून्य, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो p वन बराबर k वन का स्क्वायर माइनस थ्री वन प्लस k, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा शून्य, k एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस तीन प्लस k, तो प्लस का k और प्लस का k क्या हो जाएगा, टू के माइनस थ्री बराबर जीरो, तो टू के बराबर, अब ये प्लस का है माइनस का थ्री है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का,
तो k बराबर 3/2, 2 का चला जाएगा नीचे क्योंकि इधर गुणा हो रहा है, गुणा का उल्टा क्या था हमारा सवाल है, गुणनखंड कीजिए। तो हमें कौन सी विधि लगानी पड़ेगी, गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें क्या होता है मेन इसके बीच वाले मध्य पद के जो होते हैं गुणनखंड करने होते हैं हमारे को। अब हम सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लें, कितना आया 12x2। ठीक है, 12x2 यानी इन दोनों को गुणा करने का क्या है 12x2, इसको आप माइंड में रख लीजिए। अब तो क्या आएगा 12x2। अब आपको सात के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए 12, और जोड़ने पर क्या आ जाए वापस माइनस का 7। ठीक है, अब आप एक बात याद रखिए, माइनस का 7 कब आएगा, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर कब आएगा जब दोनों संख्या माइनस की हो। ठीक है, और इधर अगर दोनों संख्या माइनस की होगी तो गुणा करने पर आंसर क्या आएगा प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 किस किस से बनता है, सबसे पहले 1 और 6, 2+5, 3+4। ठीक है, इन सबसे 7 बनता है। फिर अगर माइनस कर आएंगे तो 8-1, 9-2 और 10-3। ठीक है, ये हो गए 7 के फैक्टर गुणनखंड। इसी तरह 12 किससे बनता है, 12 बनता है 2 × 6 से, 3 × 4 से और 12 × 1 से। ठीक है, अब आपको यहां क्या दिख रहा है, ये नियर इधर, ये दोनों में सिमिलर आ रहा है, दिख रहा है हमें सिमिलर बिल्कुल बराबर, यानी 3 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 12 और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो इधर बीच वाले के प्लस में लेने, जबकि 7x को किसमें लेना प्लस में, और 12x2 ये वाला नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 भी हो सकता है, वो सी बात, अब 2 होगा तो क्या बन जाएगा यहां पर 24 बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 12x2 - 4x - 3x+1। दोनों माइनस क्यों लिए हमने, माइनस और माइनस ही जुड़ेंगे, एक प्लस और एक माइनस होगा तो जुड़ेगा नहीं घट जाएगा। ठीक है, और दोनों माइनस के हैं तो दोनों गुणा होकर क्या आएगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में, कॉमन यानी ऐसी संख्या जो दोनों में आ रही हो, एक्स दोनों में आ रहा है पहले तो। ठीक है, अब 4 का भाग 12 में और 4 में भी जा रहा है तो 4x। अब जब मैं 4x का भाग इसमें लेता हूं तो 12 का भाग 4 में गया तो कितना आया 3। ठीक है, एक्स से एक्स, यहां 2x है और 1x हमारे पास है, 1x से एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा 1x तो बचा। अब 4x का भाग इसमें गया माइनस, 4x का भाग पूरी पूरी बार चला गया तो माइनस का 1। यहां हमें क्या करना है, माइनस माइनस का 3 और प्लस का 1। देखिए ये जो कोष्टक आया सेम कोष्टक आपको यहां चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर माइनस का 1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस देखिए पहले हमें 3x चाहिए, 3x पहले से आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका भाग 3x में देने पर 3x ही आए, तो वो है 1। 1 को किसी से भी गुणा करो या 1 को किसी से भी भाग दो, क्या आता है वही संख्या आती है। अब माइनस और माइनस, जब हम इसमें माइनस के 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा प्लस का 3x। इसी तरह जब हम माइनस का 1 का भाग प्लस के 1 में देंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या होगा 4x - 1 और 1 कोष्टक ये हो गया 3x - 1, तो ये हो गया इसके। आप देखिए वापस 2 को 3 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा 6x2। ठीक है, अब 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो 7 के टुकड़े क्या कहते हैं हमने पहले 1+6, 2+5, 4+3। ठीक है, और (8-1)। ठीक है, 6 के टुकड़े कीजिए, 6 किस किस से बनता है 2 × 3, ओनली 2 × 3 से ही 6 बनेगा। ठीक है, अब यहां हमें क्या करना है, हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, तो 2 × 3 से 6 बन रहा है और 1 बन रहा है 6 × 1 से, बस इन दोनों के अलावा किसी से भी 6 नहीं बन रहा, तो ये फैक्टर हमें कहां दिख रहा है इसमें, यानी हम गुणनखंड क्या लेंगे 6 और 1।
अब चूंकि ये दोनों प्लस है तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x, अब 1x की जगह x ही लिख देते हैं, प्लस 3, ठीक है। अब वही कॉमन लेंगे, हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x कॉमन ले लिया, इसमें भाग दिया x आया, प्लस अब 2x का भाग इसमें देंगे तो 2 से तो 3 कट गया, 6 कट गया तीन बार, और x से x कट गया। फिर यहां कॉमन क्या ले, हम देखिए ये हमारा एज इट इज वोका हो जा रहा है। अब जब हमें वोके हुई संख्या चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमेशा 1, क्योंकि 1 का भाग उसमें देने पर वही संख्या आती है, x प्लस 3, 1 का भाग दूंगा तो एक बार आया 2x प्लस 1 और एक आया x प्लस 3, ठीक है। अब यहां हमें क्या करना है, 6 को 6 से गुणा कीजिए, कितना आया 36, 36x स्क्वायर, और 5x के हमें टुकड़े करने हैं तो 5x किससे बनता है, 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, और अब माइनस में जाएगा राइट, 6 माइनस 1, 7 माइनस 2, 8 माइनस 3, ठीक है। 36 किस किस से बनता है, 36 के तो बहुत सारे गुणनखंड है, सबसे पहले 12 इंटू 3 है ना, 18 इंटू 2 और 9 इंटू 4 और 9 इंटू 4 और यहां 9 माइनस 4 से भी 5 बनता है, तो हमें एक फैक्टर मिल गया, कौन सा, 9 माइनस 4 जो दोनों में आ रहा है, 36 के गुणनखंड में भी और 5 के गुणनखंड में भी, तो हम क्या लेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए यहां एक प्लस और एक माइनस था तो हमें माइनस का 36x स्क्वायर मिला, माइनस का, तो इसलिए हमें एक माइनस एक प्लस लेना ही था वैसे भी, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती इससे। दोनों में कॉमन लेंगे, x तो दोनों में कॉमन है ही सही, ठीक है, और क्या कॉमन है, 3, जब 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, 2x, और 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, 3। अब यहां देखिए दोनों साइड माइनस है जबकि हमें बीच में क्या चाहिए, प्लस, तो हम माइनस लेंगे क्योंकि माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, x तो लेंगे नहीं क्योंकि x दोनों में नहीं आ रहा, तो जब 2 का भाग 4 में गया तो 2x और 2 का भाग 6 में गया तो 3, देखिए दोनों के दोनों फैक्टर एक जैसे बन रहे हैं, तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। अगला, यहां पर 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, अब 12x स्क्वायर और यहां कितना है, माइनस का 1, ठीक है, x को 1 ही मानेंगे, 12 टुकड़े 3 इंटू 4 और 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1, ठीक है, इनसे ही 12 बनता है, 1 किससे बनेगा, अब 1 देखिए कोई भी संख्या को जोड़ने पर तो 1 बनेगा नहीं, हमें क्या होगा, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनus 3, 5 माइनस 4, इन्हीं से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब हमें माइनस का चाहिए इसलिए ये तो होगी माइनस और ये हो जाएगी प्लस, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा बड़ी लेनी है और प्लस की छोटी लेनी है। अब हमें कहां मिल रहा है, 3 और 4, ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, देखिए माइनस की संख्या बड़ी लूंगा तभी जाके 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, इधर 1 माइनस सॉरी 1 प्लस इंटू माइनस है इसलिए माइनस का 12x स्क्वायर आया, ठीक है ना। तो अब कॉमन लूंगा, कॉमन क्या आएगा, एक,
एक्स के अलावा और कोई कॉमन इसमें नहीं है, तो जब एक्स का भाग दूंगा तो आएगा 3x, फिर जब इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा 4। अब यहां कॉमन कुछ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, तो मैं ओनली 1 ले लूंगा, तो 3x-4, तो x+1 और 3x-4 ये हुए इसके फैक्टर। अगला हमारा सवाल है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें क्या कर रखा है, त्रिघाती। देखिए एक तो होता है द्विघाती, ax2+bx+c इस रूप में, द्विघाती और त्रिपदी, ठीक है। यहां हमारा त्रिघाती, यहां x की मैक्सिमम सबसे बड़ी घात क्या, अधिकतम x 3 है, क्यूब है, तो त्रिघाती हो गया। तो इसका जो होगा गुणनखंड विधि से हम इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय यानी माना px बराबर x3-2x2-x+2, ठीक है। अब x बराबर 1 लेने पर हम देखेंगे, अगर x बराबर 1 लेने पर हमें px का मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो ये इसका एक गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो p1 बराबर 1 का होल क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, यहां 1 प्लस का 2, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, तो आंसर क्या है, 0। अब चूंकि हमें 0 प्राप्त हो गया, तो x माइनस वन कहां से आया, x बराबर 1 एक उठ के इधर आया, तो क्या हुआ, x माइनस 1 हो गया, ठीक है। बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्यों है, क्योंकि यहां इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहां से सवाल दो तरीके से होता है, दो तरीके से मतलब, एक तो होगा आपका भाग विधि से, कैसे, x माइनस 1 का भाग देंगे हम किसमें, इसमें x³-2x² - x+2 में हम भाग देंगे, किसका देंगे, x माइनस 1 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x, यहां देखिए आप आगे ही आगे हमें क्यूब दिख रहा है, और यहां क्या दिख रहा है, स्क्वायर, तो हमें किसकी जरूरत है, स्क्वायर की, सेम वो का होना चाहिए, यहां माइनस आ रहा तो आप माइनस लें, ठीक है। x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x³ आया, और x स्क्वायर को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x² आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चिन्ह चेंज करेंगे, किसके ऊपर वाले के नीचे वाले के, यहां किसमें है, प्लस में है, ये वाला प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, अब एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, यहां क्या होगा, माइनस का x बड़ा है, 2x बड़ा है, तो माइनस के 2x में से प्लस का 1x चला गया, तो क्या बचा, माइनस का x² - x+2, ये मैंने दोनों के दोनों वापस उतार लिए, ठीक है। अब क्या होगा, हमें x² चाहिए, यहां x ही है, तो हम क्या करेंगे, x लेंगे, लेकिन कहेगा माइनस का, क्योंकि यहां माइनस का x है, अगर मैं प्लस का लेता हूं तो x और x दोनों प्लस के हो जाएंगे, अब एक प्लस माइनस और एक प्लस है, तो x को इससे गुणा करूंगा तो माइनस का x² माइनस का एक माइनस के x से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब वापस चिन्ह चेंज, नीचे वाले के चिन्ह को देखकर, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, प्लस और माइनस कट गए, x दोनों माइनस के हैं ना, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 2x, अब ये घटेंगे नहीं जुड़ जाएंगे, और प्लस का 2। अब हमें यहां क्या चाहिए, x तो है हमारे पास, माइनस का 2 नहीं है, तो माइनस का 2 ले लेते हैं हम, माइनस के 2 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस के 2 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे, माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब चिन्ह चेंज, प्लस माइनस नीचे वाले के हिसाब से कट गया, शेषफल क्या आया, 0। क्यों आया 0, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है जो हम पहले क्या कर चुके हैं। तो अब हमें क्या मिला, x-1 और x² - x - 2, ठीक है। अब यहां इसको तो ऐसा वैसा रहने देंगे हम, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने आपको बताया कि पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² 2x², अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो क्या आ जाए 2x, और जोड़ने पर क्या आ जाए x। अब जोड़ने पर 1 कब आता है,
जोड़ने पर तो एक आता नहीं, घटाने पर एक आता है, यानी दो में से एक जाएगा तो एक आएगा, तीन में से दो जाएगा तो एक आएगा, चार में से तीन जाएगा तो एक आएगा, ठीक है ना। तो हमें वो संख्या जिसको गुणा करने पर दो आ जाए, तीन और दो से गुणा करने पर तो क्या होगा छह आएगा, चार और तीन को गुणा करने पर सात आएगा, तो क्या होगा एक को दो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दो आएगा, यानी ये वाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बेटर है। तो हम इसके गुणनखंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस दो। देखिए इसके दो टुकड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये तो हुआ माइनस और ये हुआ प्लस, क्यों हुआ माइनस के दो एक्स में से प्लस का एक एक्स जाएगा तो माइनस का एक्स, हमें यहां माइनस चाहिए था, ठीक है। अब एक्स माइनस वन तो यहां चली रहा लगातार, और यहां पर क्या होगा कॉमन ले लिया जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा एक्स कॉमन आ गया, अब एक्स का भाग इसमें दे तो एक्स बचा और एक्स का भाग इसमें दे तो माइनस का दो बचा, इधर दोनों में कॉमन क्या रहे ये वाला जोड़ा जो हमें यहां मिल ही रहा है वैसे भी, तो हमें क्या लेना चाहिए एक लेना चाहिए फिर सिचुएशन में, ताकि एक का भाग इसमें देंगे तो ये की संख्या वापस आ जाएगी। तो हमारे गुणनखंड हो गए x माइनस वन एक्स माइनस दो जो कि दोनों में है और x प्लस वन, ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसका, यहां क्या होगा हमारे को गुणनखंड प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इन दोनों के गुणनखंड करेंगे, किसके इन दोनों के, जैसे कि x 3 माइनस x, अब माइनस x क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरा क्या गुणनखंड क्या दिख रहा है मुझे x माइनस वन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा x जब मैं कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर, ठीक है कॉमन आना चाहिए इसमें, अब यहां पर भी स्क्वायर होना चाहिए x स्क्वायर, तो x माइनस वन बचना ही चाहिए, इस वजह से मैं इसका एक गुणनखंड ये लेता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा इस 2x स्क्वायर के दो टुकड़े करूंगा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है जैसा कि मैंने यहां पे करा, कहां पर यहां पर, ठीक है तो इस 2x के टुकड़े कर दिए मैंने, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा। अब मुझे क्या करना पीछे की तरफ भी देखना है कि पीछे 2x आना ही चाहिए, तो मैं इस x के टुकड़े करूंगा, इस x के टुकड़े क्या करूंगा मैं माइनस प्लस का x माइनस 2x प्लस 2। अब आप समझिए यहां पर मुझे तीन जोड़े मिल चुके हैं, ठीक है पहला तो मैंने क्या करा इसके दो टुकड़े करे ये रहे, फिर मैंने इसके दो टुकड़े करे ये रहे, ठीक है यानी मुझे कॉमन लेना सीखना होगा इसमें। अब इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाग इसमें दूंगा तो एक्स और इसका भाग दूंगा ए, यहां पर मैं कॉमन क्या लूंगा माइनस का एक्स, ठीक है माइनस का एक्स का भाग इसमें दूंगा तो प्लस का एक्स बचेगा और इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा माइनस का वन, यहां पर मैं माइनस का दो कॉमन ले लूंगा तो एक्स माइनस का वन। अब एक्स माइनस वन तो तीनों में आ रहा है वो ले लिया, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। अब इसके बाद मेरा सवाल बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होने वाला है, तो यहीं से हमारा सवाल दो अलग अलग तरीके से सोचता है। आप तो एक तो शेषफल प्रमेय से भी कर सकते हैं और एक गुणनखंड से भी कर सकते हैं, भाग विधि से सॉरी भाग देकर भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो और एक्स प्लस वन। अगला हमारा सवाल है एक्स थ्री, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे शेषफल प्रमेय, माना पी एक्स बराबर एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है अब एक्स बराबर वन लेने पर, एक्स बराबर वन लेंगे हम तो हमें क्या होगा पी कोष्टक वन बराबर वन का क्यू माइनस थ्री कोष्टक वन का स्क्वायर माइनस नाइन कोष्टक वन माइनस फाइव। तो आप क्या लाएंगे P1 बराबर एक माइनस तीन इंटू एक, एक का स्क्वायर क्या होगा एक, एक का क्यूब भी क्या होगा एक माइनस नौ माइनस पांच, ठीक है अब एक तो हो गया प्लस का और ये तीनों किसके हो गए माइनस के, तो क्या होगा एक माइनस का नौ और माइनस का तीन होगा माइनस का बारह, माइनस का बारह और पांच माइनस का सत्रह, तो आंसर क्या आ रहा है
16। अब 16 क्या है, 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है, तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि x माइनस वन तो इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करें, सेकंड स्टेप लेते हैं कि x बराबर माइनस वन लेने पर, क्या लेने पर, x माइनस वन लेने पर, ठीक है, तो p कोष्टक माइनस वन बराबर माइनस वन का होल क्यूब माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन माइनस फाइव, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन, क्यों, क्योंकि इसकी जो घात है वो विषम है। यहां पर थ्री इंटू, देखिए थ्री इंटू माइनस का वन की जगह प्लस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का वन, तो थ्री इंटू प्लस का वन, माइनस का थ्री और प्लस का वन क्या हो जाएगा, माइनस का तीन। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का नौ इंटू माइनस का वन क्या होगा, प्लस का नौ हो जाएगा, और माइनस का पांच, ठीक है। अब हम संख्याओं को जोड़ते हैं, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लें, तो एक और तीन चार, चार पांच आठ, माइनस सॉरी एक और तीन चार, चार और पांच माइनस के नौ और ये प्लस के नौ, तो दोनों क्या होगा, जीरो, जीरो है, यानी पी का मान क्या हो गया, जीरो आ गया, यानी कि एक्स प्लस वन बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है, ये गुणनखंड नहीं है, ये इसका एक गुणनखंड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, भाग का और ये वाला, तो पहले हम भाग वाला कर लेते हैं, x प्लस वन का भाग देंगे हम किसमें, x थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव में, ठीक है। सबसे पहले आगे आगे की संख्या देखनी है हम लोग दोनों की, यहाँ x ही है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो हमें x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब, और x स्क्वायर को वन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, देखिए यहां भी प्लस है, ये दोनों प्लस है तो प्लस हो गया, चेंज चेंज माइनस माइनस दोनों कट गए, एक प्लस एक माइनस। अब ये दोनों क्या है, माइनस के, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, माइनस के फोर एक्स माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ऐसे कैसे उतार दिया मैंने। अब मुझे आगे क्या चाहिए, चार, जो कि यहां पर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का चार, मिल गया, एक्स स्क्वायर, यहां एक्स ही है तो मैं क्या लूंगा, एक्स ले लूंगा। अब माइनस का फोर एक्स से गुणा, तो माइनस का फोर एक्स, और माइनस का फोर एक्स प्लस के वन से गुणा होता, तो माइनस का फोर एक्स हो जाएगा, चेंज चेंज प्लस प्लस, ये तो कट गया, एक माइनस एक प्लस। अब माइनस का नौ एक्स में से प्लस का चार एक्स गया, तो माइनस के पांच एक्स आए, और यहां माइनस के पांच। अब मुझे क्या चाहिए, ओनली पांच चाहिए, एक्स तो है यहां पर, माइनस के पांच को इससे गुणा करूंगा, माइनस का पांच एक्स और माइनस का पांच, चेंज चेंज प्लस प्लस, कट गया, शेषफल क्या आया, जीरो, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है प्रमेय के हिसाब से। अब मुझे क्या करना है, एक्स माइनस वन और ये भागफल जो मैंने लिया, जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है, इसको क्या करना है, एक्स माइनस वन तो स्टेप बाय स्टेप यहां पर चलता रहेगा। अब एक्स को इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा, पांच एक्स स्क्वायर और बीच में क्या है, माइनस का चार एक्स, ठीक है, बीच वाला माइनस का चार के गुणनखंड, दो प्लस दो, ठीक है, और पांच माइनस एक, अब पांच के गुणनखंड, पांच इंटू एक, और किसी से तो पांच बनता नहीं है गुणा करने पर, क्योंकि पांच क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो किसी के भी पार्ट नहीं आती, तो सीधा सामने क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स माइनस पांच, ठीक है, क्योंकि माइनस का पांच और प्लस का पांच गुणा होगा तो माइनस का पांच एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के पांच में से चार एक एक्स चल जाएगा, चार एक्स आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, कॉमन लेता हूं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, अब एक्स में एक्स का भाग दिया एक्स, और यहां माइनस के पांच, यहां पर मैं कॉमन लूंगा वन, क्या लूंगा वन, तो क्या होगा, वन का भाग दूंगा एक्स और माइनस का पांच,
तो एक तो आया x माइनस 5 और एक आया x प्लस 1, x 3 यहां कितना है माइनस 3x स्क्वायर, तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां तो मुझे x स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहां मैं क्या करूंगा 4x स्क्वायर ले लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि माइनस का 4x में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, अब 9 के टुकड़े करने मुझे, तो मुझे पीछे क्या चाहिए 5 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा 9 के टुकड़े, और आगे मुझे क्या चाहिए 4, यहां मुझे दिखेगा 4, तो क्या होगा माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस का 5, अब मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, फिर यहां माइनस का 4x लूंगा कॉमन, तो यहां x प्लस 1, क्योंकि माइनस में माइनस का भाग जाएगा प्लस, माइनस का भाग जाएगा प्लस, फिर यहां माइनस का 5 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1, तो मुझे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, 1, 2, 3 इनसे से प्राप्त हुआ और एक कॉमन हो गया x प्लस 1, बाकी इसके बाद सवाल सेम इस तरह से होगा। अगला हमारा सवाल है x3, तो क्या करेंगे हम वही शेषफल प्रमेय, माना px बराबर x3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है, अब x बराबर 1 लेने पर, यानी 1 लेने पर, ठीक है, पुश करें, अब x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, तो p 1 बराबर 1 का होल क्यूब प्लस सॉरी माइनस का 1 लेंगे हम, ठीक है ना, अब x बराबर माइनस 1 लेने पर तो p कोस्टर माइनस का 1, तो यहां जहां जहां x आ रहा है वहां वहां माइनस का 1, ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा ही रह जाएगा, यहां जहां जहां x आ रहा वहां वहां यहां x नहीं आ रहा, x नहीं आ रहा, अब इसको बोलेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 1, क्योंकि इसकी घात क्या है विषम, प्लस 13 स्क्वायर, सॉरी इसकी घात क्या होगी सम है, तो प्लस में 1 हो जाएगा, 1 इंटू 13 प्लस का 13, फिर यहां कोई घात नहीं है खुलेगा तो माइनस और प्लस गुणा हो तो क्या होगा माइनस, अब 32 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 32 प्लस का 20, ठीक है, माइनस माइनस की संख्या को एक साथ जोड़ लेते हैं माइनस का 33 है ना और प्लस का 13 और 20 33, यानी आंसर क्या हमारा शून्य, यानी x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। देखिए आप या तो एक बार प्लस में लेके देखें या फिर माइनस में लेके देखें, दोनों ही आपको आंसर आ जाएंगे यहां पर, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, अब वही दो तरीके में से एक, पहला भाग विधि, भाग विधि में हम क्या करेंगे x प्लस 1 का भाग देंगे किसमें, x3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 में, ठीक है, अब भाग देंगे हम तो क्या आएगा यहां पर क्या है x और यहां x क्यूब, x स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर प्लस से गुणा करेंगे तो x3, देखिए आगे वाली बराबर लानी होती है पिछले से कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है, चिन्ह चेंज माइनस माइनस कट गया, 13 में से एक x गया तो क्या आया 12 x स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20, ठीक है, अब यहां मुझे क्या चाहिए 12, यहां 12 नहीं है और वो भी प्लस के बना है तो प्लस का ये भी है तो प्लस का 12 लेना पड़ेगा, अब मुझे क्या चाहिए x स्क्वायर, यहां x ही है तो एक और x ले लूंगा मैं, x स्क्वायर हो गया, अब 12 इसको x से गुणा करूंगा तो यहां 12 x आ जाएगा, चिन्ह चेंज माइनस माइनस प्लस और माइनस कट गया, 32 में से 12 x प्लस में से माइनस जाएगा तो क्या होगा 32 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 20 x प्लस 20, अब सीधा सा आपको आंसर पता ही है 20 लेना मुझे तो 20
एक्स प्लस बीस क्या हो जाएगा जीरो, चेंज चेंज माइनस माइनस, ठीक है। तो x माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस बीस, यह आया मेरा गुणनखंड, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है मेरा कि मैं इनके टुकड़े करूंगा, तो x थी आगे आगे हमें एक ही x दिख रहा है, उसमें कोई संख्या नहीं है, तो हमें x स्क्वायर लेना ही है, ठीक है। अब x स्क्वायर तेरह के मैं ऐसे टुकड़े करूं कि मुझे x स्क्वायर चाहिए, अब यहां प्लस का तेरह है तो x स्क्वायर प्लस बारह x, ठीक है। अब इस बारह x से मुझे क्यू मिल गया बत्तीस और बीस का, बत्तीस में से बारह जाएगा तो बीस आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा प्लस बारह एक्स प्लस बीस एक्स प्लस बीस, बत्तीस के टुकड़े हो गए ये और तेरह के टुकड़े हो गए ये, कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस वन, यहां बारह x कॉमन ले लूंगा मैं प्लस का तो क्या आएगा x प्लस वन, और यहां बीस x कॉमन ले लूंगा मैं प्लस का, सॉरी बीस कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वन, बीस का भाग इसमें दूंगा तो वन, तो एक तो आया मेरे x प्लस वन जो कि सब में कॉमन आ रहा है, और एक आया मेरे x स्क्वायर प्लस बारह x प्लस बीस, ठीक है। दोनों जगह पर सेम आंसर आ गया, इसलिए मैंने पहले ये करके दिखाया इस बार। अब गुणनखंड x प्लस वन के इधर पर हो जाए उधर पर, कोई दिक्कत नहीं आपको। x अब क्या करना है मुझे, इन दोनों को मैं गुणा करूंगा, किन दोनों को, इन दोनों को, तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा बीस एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के। अब यहां मुझे चाहिए बीच में बारह एक्स, वो भी प्लस का ही है। अब बीस किस किस से बनता है गुणा होने पर, पांच इंटू चार दो इंटू दस और बीस इंटू एक ओनली बस, ठीक है। और बस अब इनमें से बारह किस से बन रहा है, पांच और नौ को जोड़ूंगा तो क्या आएगा नौ आएगा, और घटाऊंगा तो क्या आएगा एक आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है बारह, और इन दोनों को जोड़ने घटाने पर इक्कीस और घटाऊंगा तो उन्नीस आ रहा है, तो मुझे किससे मिल रहा है दो इंटू दस से, तो मैं क्या करूंगा इसके दो टुकड़े कर दूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस दो एक्स प्लस बीस, इनको आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। आप चाहो दो एक्स आगे भी रख सकते हो, दस को पीछे। आप क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूंगा, दोनों मारा है एक्स का भाग एक्स में दिया, एक्स बचा एक्स का भाग इसमें दिया तो दस बचा, इधर दो कॉमन आ रहा दोनों में तो दो ले लिया, एक्स में भाग दूंगा तो एक्स बचा, सॉरी दो एक्स में भाग दूंगा दो का तो एक्स बचा, दो का भाग बीस में दूंगा तो दस बचेगा। अब एक्स और प्लस दो एक्स, एक्स प्लस दो और एक्स प्लस दस, ये हो गए इसके गुणनखंड। मेन आंसर हमारा चाहिए आप यहां निकालो चाहे निकालो, बस यह सवाल है आपका वही, माना P X नहीं होके Y होगा यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां चार पर चार कौन सी है, चार संख्या Y है हमारी, तो 2Y स्क्वायर क्यू प्लस Y स्क्वायर माइनस 2Y माइनस 1, ठीक है। अब माना क्या मानेंगे, Y बराबर माइनस का 1 लेने पर, तो पी वाई बराबर, तो y की जगह क्या ले लूंगा मैं माइनस का वन, ठीक है, तो क्या होगा टू माइनस वन का क्यू प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन, ठीक है। जहां जहां y आ रहा था वहां वहां मैंने क्या करा माइनस का वन लगा दिया। अब मुझे देखना है दो इंटू माइनस का वन, क्योंकि इसका खुलेगा तो वन आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का दो, अब यहां क्या हो जाएगा प्लस का वन, क्योंकि प्लस का निशान है, और जब ये स्क्वायर खुलेगा तो ये भी प्लस का वन होगा, तो गुणा होगा तो क्या होगा प्लस का वन। अब माइनस का दो और माइनस का एक, कोष्ठक खुलेगा तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस का दो हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का एक, माइनस का दो और माइनस का एक प्लस का दो कट गए, प्लस का एक और माइनस का एक कट गए, तो क्या आया आंसर शून्य, शून्य आया।
यानी कि y प्लस वन बहुपद px का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब सवाल वही दो तरीके। देखिए, अगर आपको फेयर कॉपी में करना है तो आप दोनों में से कोई भी तरीका ले लीजिए, जो आपको ज्यादा सुविधाजनक लग रहा हो वो। मैंने तो बस आपको बताने के लिए बताया दो तरीके। आप चाहे तो यहां से स्टार्ट करके यहां पे एंड कर दीजिए, आप चाहे तो यहां से स्टार्ट करके यहां पे, बस यहां से जाके इस लाइन से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो y प्लस वन, ठीक है, तो y प्लस वन अब टू वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यहां पर हमें दो चाहिए, दो ले लिया, यहां y थ्री आ रहा है, y स्क्वायर लेंगे, इससे गुणा करेंगे, टू वाई क्यूब प्लस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, चिन्ह चेंज, दोनों प्लस के नीचे, दोनों माइनस के हो गए, एक प्लस से एक माइनस कट गया। अब y स्क्वायर प्लस का है और यहां माइनस का है, तो माइनस के दो में से प्लस का y चला जाएगा, तो माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस का y स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन। अब हमें क्या चाहिए आगे आगे, y किसका, माइनस का, तो माइनस y और y प्लस का y गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का y स्क्वायर, y को 1 से गुणा करूंगा माइनस के y से, तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज, माइनस तो प्लस हो गया। अब क्या करूंगा, काट दूंगा इसको, अरे अब माइनस का y 2y और यहां माइनस का y एक प्लस का y, तो माइनस के दो में से प्लस का एक चला गया, तो क्या बचा, माइनस का एक, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहां पर नीचे थी और यहां ऊपर थी, यहां ऊपर और यहां नीचे आ गई। अब क्या उतरेगा, बचा क्या, वन माइनस का y, कब मिलेगा मुझे y को, किससे गुणा करूंगे y है, तो ओनली एक ही संख्या है वो है एक, एक को किसी से भी गुणा कीजिए वही संख्या आती है, माइनस का y इंटू वन इंटू वन वन होगा और माइनस, चिन चेंज प्लस कर गया, आंसर आया जीरो। तो हमारे दो गुणनखंड आ गए, y प्लस वन और टू वाई स्क्वायर माइनस y प्लस वन, सॉरी माइनस वन। अब मुझे क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, ये तो ऐसा वैसे चलेगा, मैं इसके गुणनखंड करूंगा, पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, तो क्या आएगा, माइनस का टू वाई। अब माइनस का टू वाई मतलब दो किससे मिलकर बनेगा, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो गुणनखंड ही देखने पड़ेंगे हमें इनके, यानी कि दो इंटू एक से ही गुणा बनेगा बस, और तो किसी संख्या से दो बनता नहीं, क्योंकि दो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वाई माइनस वन, देखिए एक प्लस और एक माइनस क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ एक प्लस एक माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस के दो वाई में से एक वाई जाएगा तभी जाके माइनस का वाई आएगा, हम इसे प्लस का और इसे माइनस का नहीं ले सकते, हमें बड़ी संख्या को माइनस में लेना पड़ेगा तभी उसमें से घट के माइनस में आंसर आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दो वाई, दो वाई का भाग दिया तो वाई और यहाँ पे भाग दिया तो माइनस का वन, यहाँ कॉमन क्या लें, वन, क्योंकि हमें ये का यही मिल रहा है, तो बस एक का भाग देंगे हम वाई माइनस वन, तो यहां कॉमन क्या है, टू वाई प्लस वन और यहां पर क्या आया, वाई माइनस वन, ये हमारे हो गए गुणनखंड। अब इसके इस तरीके से जोड़ेगा, दूसरे तरीके से मैं बताता हूं, टू वाई थ्री दिख रहा है आपको, अब इस वाई स्क्वायर के टुकड़े करने हैं, तो यहां हमें क्या चाहिए, माइनस टू वाई स्क्वायर चाहिए पहले तो, ठीक है, अब वो प्लस का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्लस क्या आ रहा है यहां पर, इसमें से y स्क्वायर माइनस कर दिया हमने, इसके दो टुकड़े हो गए ये रहे। अब यहां माइनस का y, माइनस का y, क्यों, दो y के टुकड़े करे मैंने, माइनस का y माइनस का y, दोनों को जोड़ेंगे ना, माइनस का टू वाई हो जाएगा और यहां वन, अब कॉमन ले लेंगे हम दोनों में कॉमन टू वाई, तो y माइनस वन, यहां पर y प्लस वन, सॉरी यहां पर माइनस का y कॉमन लेंगे, तो माइनस के वाई से वाई जाएगा प्लस का वाई, यहां प्लस का वन, यहां माइनस का वन कॉमन लेंगे तो वाई प्लस वन, तो हमें क्या मिल गया, एक तो मिल गया वाई प्लस वन और एक मिल गया हमें
टू वाई माइनस वाई माइनस वन सेम ऐसा वैसे, ठीक है, नो कंफ्यूजन।